नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के क्राइम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं क्राइम जगत की कुछ अहम खबरों पर। हत्या के आरोप में जेल में बंद विचाराधीन कैदी को इलाज के लिए मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। रविवार सुबह वह सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भाग गया, लेकिन पुलिस ने 8 घंटे के भीतर ही कॉटन मार्केट क्षेत्र के रेलवे परिसर में लगे फुटपाथ से उसे दबोच लिया। आरोपी ताजबाग निवासी सोनू उर्फ सोहेल उर्फ शोहेब खान बब्बू खान बताया गया। जानकारी के अनुसार शोहेब वर्ष 2020 में धनतोली थाने में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की आरएफओ दीपाली चौहान के बहुचर्चित आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए गुगामल परिक्षेत्र के उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार की ओर से जमानत याचिका के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने रोहित देव ने पासपोर्ट सरेंडर करने तथा अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने जैसी कड़ी शर्तों के साथ जमानत के लिए जारी किए गए। अब शिवकुमार की ओर से एफआईआर रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की गई, जिस पर अदालत ने 2 सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि शिवकुमार ने इससे पहले भी हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। इंफॉर्मेशन ब्यूरो में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक के साथ 5,25,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला प्रताप नगर थाने में दर्ज किया गया। आरोपी रतन सागर पोसालिया सरीही राजस्थान निवासी मोहन सिंह भवर सिंह राव बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कामगार कॉलोनी सुभाष नगर निवासी शशिकांत बंसोड़ ग्रेजुएट है और आईबी में सहायक पद के लिए आवेदन किया था। मोहन सिंह के साथ उसकी पहचान मार्च 2020 में एक दोस्त की शादी के दौरान हुई थी। मोहन ने खुद को अमेरिका की एक बड़ी कंपनी के अधिकारी के तौर पर पहचान कराई थी। साथ ही बताया था कि उसे पिता के बड़े नेता के साथ रसोइये का काम करते हैं। बातचीत में दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी लिया था। प्रतापनगर थाना अंतर्गत एक बंद घर से अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के गहने और 15,000 रुपए की नकदी समेत 1,52,000 रुपए का माल पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वरूप नगर निवासी आनंद साहेबलाल बोवाड़े परिवार के साथ करीब 15 दिनों के लिए मध्य प्रदेश के मुलताई गए थे। इस दौरान किसी ने घर की मुख्य दरवाजे की कुंडी का स्क्रू निकालकर भीतर प्रवेश किया और बेडरूम में रखी अलमारी से सोने चांदी के गहने और चुरा लिए, साथ ही 15,000 रुपए की नकदी भी ले उड़े। इस प्रकार आरोपियों ने कुल 1,52,000 रुपए का माल चुरा लिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोन 3 के डीसीपी गजानन राजमाने के निर्देश पर पाचपावली पुलिस ने गोंडपुरा अशोक नगर में एक घर में चल रहे सट्टा अड्डे पर छापेमारी की। पुलिस ने यहां के सट्टा पट्टी काटते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनमें नाम सत्यजीत उर्फ बबलू नारायण रॉय और न्यू खदान लश्करी बाग निवासी नेहाल शिवराज खैरकर बताए गए। पुलिस ने मौके से 1,97,455 रुपए का माल जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीसीपी राजमाने को गुप्त सूचना मिली थी कि गोंडपुरा निवासी सत्यजीत अपने घर में कई दिनों से सट्टा पट्टी काटने का काम कर रहा है। यहां हर दिन लाखों का सट्टा चलता है। डीसीपी राजमाने ने तुरंत पाचपावली पुलिस को सूचित किया और कार्रवाई के आदेश दिए। क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।